बिहार में अगले महीने 4 सीटों पर उपचुनाव का दंगल है, लेकिन आरजेडी सांसद मीसा भारती ने सभी 4 सीटों पर जीत का दावा कर सियासी गर्मी बढ़ा दी है। स्थानीय मुद्दों पे अगर ये चुनाव होता है तो इंडिया गठबंधन 4 सीट पे अपनी जीत सुनिश्चित करेगी। उधर जेडीयू का दावा है कि उपचुनाव के नतीजे भी लोकसभा चुनाव के जैसे होंगे। अगले साल जो चुनाव बिहार में होगा उसकी बानगी तो लोकसभा में हो गई, जनता ने क्या फैसला किया बिहार में, तो आने वाले चुनाव में विधानसभा में भी बड़े मत से एनडीए यहां जीतेगी। और बता दें कि बिहार की जिन 4 सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें तरारी, बेलागंज, रामगढ़ और इमामगंज शामिल है। इन सीटों पर अगले महीने 13 नवंबर को चुनाव होंगे और 10 दिन बाद 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। ये चुनावी नतीजे अगले साल होने वाले विधानसभा की हवा का रुख तय करेंगे। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.